दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये जानते ही होंगे कि हम बिस्तरी के ऊपर कुछ दिनों से हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि शबे मेराज, शबे बारात, शबे कद्र में हम बिस्तरी करने का क्या हुक्म है, इन रातों में हम बिस्तरी करने से क्या होता है, और इसके अलावा हम आपको तीन ऐसी रातों के बारे में भी बताएंगे जिन रातों में शैतान की वजह से बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया। शैतान की वजह से क्यों मना किया गया, शैतान उस रात क्या करता है, और हम बिस्तरी करने का सही और इस्लामिक तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरी बात वीडियो को आप देखने के बाद समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को बस एक लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। पहला सवाल, शबे मेराज, शबे बरात या शबे कद्र की रातों में भी हम बिस्तरी करना चाहिए या नहीं? तो उसका जवाब है, शरीयत की तरफ से रमज़ानुल मुबारक में तुलुवे फजर से गुरुबे आफ्ताब तक यानी रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करने में कोई पाबंदी नहीं है। आदमी ज़रूरत और ख्वाहिश के एतबार से किसी भी दिन या रात में जब चाहे बीवी से सोहबत कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बीवी हैज या निफास में ना हो। लिहाजा शबे मेराज, शबे बारात और शबे कद्र में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि बीवी हैज या निफास में ना हो। दूसरा सवाल, किन रातों में हम बिस्तरी करना मना है, यानी कोई दिन ऐसा है, कोई रात ऐसी है कि जिन दिनों में और जिन रातों में हम बिस्तरी करने से मना किया गया है? तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर आप इसको समझें। अगर रमज़ानुल मुबारक का महीना नहीं है, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी नहीं है, तो दिन में हम बिस्तरी करना उनके लिए जायज़ है। हर दिन हम बिस्तरी करना जायज़ है, किसी दिन में मना नहीं किया गया है, सिर्फ रोज़े की हालत में मना है, और जब औरतें हैज और निफास में होती है तब मना किया गया है। अब जहाँ तक बात रहे रातों में हम बिस्तरी करने से मना किया गया, तो ध्यान से सुनिए, ऐसी तीन रातें हैं कि जिनमें हम बिस्तरी करना उल्मा ने मकरूह करार दिया। मैंने आ हदीसा मुबारका तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे हदीस मिल ना सकी। अलबत्ता अहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल ज़रूर मिला है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि महीने की तीन रातों में, यानी जो इस्लामी महीना होता है, इस्लामी महीने के एतबार से, अंग्रेज़ी महीने के एतबार से नहीं, इस्लामी महीने के एतबार से तीन रातों में, पहली रात पंद्रहवीं रात और उसके बाद आखिरी रात इस्लामी महीने के एतबार से पहली रात और पंद्रहवीं रात और आखिरी रात, इन तीनों रातों में इमाम गजाली फरमाते हैं कि हम बिस्तरी करना, जिमा करना, मुबाशरत करने को मकरूह कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि इसमें कहा जाता है कि इन रातों में जिमा के वक्त यानी हम बिस्तरी, जब शोहर और बीवी हम बिस्तरी करते हैं रातों में, तो शैतान वहाँ मौजूद रहता है इन तीन रातों में। और फरमाते हैं कि और ये भी कहा जाता है कि इन रातों में शैतान जिमा करते हैं, यानी खुद शैतान इन रातों में हम बिस्तरी करता है, जो भी उसकी मोनस होगी। इमाम गजाली लिखते हैं कि ये रिवायत हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से है। अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 126 पर यह बात लिखी है। लेकिन ऐसा कोई हराम और नाजायज़ नहीं है कि अगर कोई इस्लामी महीने के एतबार से पहली या पंद्रहवीं या आखिरी रात में हम बिस्तरी करेगा तो कोई हराम या नाजायज़ काम होगा। अब चूंकि उलमा का कौल मिलता है तो फिर हमारे लिए बचना बेहतर होगा। इमाम गजाली कोई मामूली इंसान नहीं थे, बहुत बड़े अल्लाह के बरगज़िदा बंदे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैंने जैसा कि बताया कि तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन मिली नहीं, अगर मिलेगी तो इंशाअल्लाह आपको पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इमाम गजाली ने यह बात लिखी है तो अब इनके कॉल पर ये मकसद नहीं है कि पंद्रहवीं रात में या पहली रात में या आखिरी रात में अगर किसी ने हमबिस्तरी की तो ये फिर नाजायज़ हो जाएगा और औलाद जो पैदा होगी वो गलत हो जाएगी।
या उस पर कुछ असर पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बचना बेहतर होगा। उलमा का यह कौल मौजूद है। और जैसा कि इमाम गजाली ने लिखा कि ये रिवायत हज़रत अली, हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अबू हुरैरा से है, तो फिर बचना हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई इन तीनों रातों में भी हमबिस्तरी करता है तो हरगिज़ हरगिज़ नाजायज़ और हराम का फतवा नहीं दिया जाएगा। और अगर उस हमबिस्तरी से हमल ठहर जाए, किसी बच्चे या बच्ची की विलादत हो, तो हम उसको उस पर इसके हवाले से तंज नहीं कर सकते कि ये उस रात की पैदावार है, या फिर उसको विलादुज़्ज़िना या हरामी कहना, ये सब दुरुस्त नहीं होगा। इन तीन रातों में उलमा का कौल मिलता है तो बचना बेहतर है। लेकिन अगर हम बिस्तरी कोई करता है तो कोई गुनाह की बात नहीं होगी, उलमाओं के मुताबिक मकरूह नापसंदीदा बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, मसले की मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ। तब आइए दोस्तों आपको हम बिस्तरी का इस्लामिक तरीका बताते हैं। अक्सर लोग इस मसाइल को बयान करने में शर्म महसूस करते हैं और फजूलियात में पड़ जाते हैं। फजूलियात में पड़ने से बेहतर है कि हम इस्लाम के हुक्म से आशना हो और इसमें शर्म महसूस ना करें। इस अहम बयान को सुनने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बीवी से हम बिस्तरी, जिना जैसे हराम काम से बचने और नाजायज़ तरीके से शहवत को पूरा करने से हिफाजत की नीयत से हो। इसी सूरत में अल्लाह ना सिर्फ हम बिस्तरी पे अजर देगा बल्कि नेक औलाद से भी नवाजेगा और साथ साथ दुनियावी बरकतों से भी नवाजेगा। हम बिस्तरी शहवत रानी नहीं बल्कि जौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत है। इसीलिए हम बिस्तरी शोहर बीवी से खुश तलबी की बात करें और हम बिस्तरी के लिए जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राज़ी करें। दोस्तों हम बिस्तरी करने से पहले की दुआ आप ज़रूर पढ़ें, आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी मिल जाएगी, अरबी में है। आपको हम इसका तर्जुमा बता देते हैं। उसका तर्जुमा यह है कि हमें शैतान से अलहदा रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख, फिर अगर इन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो हम बिस्तरी की जगह आवाज़ सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छुपी जगह हो, और हम बिस्तरी की हद तक शर्मगाह खोलना काफ़ी है। ताहम एक दूसरे को देखना, मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज़ है। जिस हदीस में मजकूर है, हम बिस्तरी के वक्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहक होती है, इसे शेखुल हदीस ने मौजू करार दिया है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी एक दूसरे की शर्मगाह नहीं देखी। बीवी की अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना है जो नफास से पाकी की हालत में जायज़ है, और हम बिस्तरी करने के लिए बीवी से बोसो किनार होना, खुश तबई करना, हम बिस्तरी के लिए तैयार करने के वास्ते आज़ाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ो हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी के लिए जो कैफियत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज़ है। याद रहे, हम बिस्तरी की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शोहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शोहर से इनकार करे। एक ही रात में दो बार हम बिस्तरी करने से पहले अगर मैसर हो तो गुसल कर लेना चाहिए या वजू कर लेना चाहिए। बग़ैर वजू के दोबारा हम बिस्तरी कर सकते हैं, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक गुसल से कई अजवाज से मुबाशरत फरमाते थे। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत और मर्द दोनों पर गुसल वाजिब हो जाता है। मनी का इंजाल हो या ना हो, हालत जनाबत में सोया जा सकता है। ताहम फजर से पहले या जो वक्त नमाज का हो उस वास्ते गुसल कर लेना चाहिए ताकि हम अपनी नमाज वक्त पर पढ़ सकें। मियां बीवी के खिलवत और हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से इन बेहयाओं को नसीहत लेनी चाहिए जो हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैला देते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह, कितने मलऊन हैं, फहश वीडियो बनाते हैं और फिर उसे फैला देते हैं। अगर आप भी अपने किसी मसले के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें मेल के ज़रिए या वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।